सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ हमारे आरके एजुकेशन गाइडलाइंस ग्रुप पर। तो आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा समरी वापस दे देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास जो रदरफोर्ड ने बताया था वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एंड देन फिर मैंने आपको एएमयू के बारे में बताया था, एटॉमिक मास यूनिट। एंड फिर उसके बाद मैंने बताया था कि वन मोल एटम का मास और वन एटम के मास में डिफरेंस क्या है। आज उसी बेसिस पर हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास पर। तो आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। तो आज इसमें मॉलिक्यूलर मास पर बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक में आपको कहा था कि 1 AMU इक्वल टू होता है 1/12 मास मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। और वहां से मैंने आपको बताया था कि AMU क्या है और ग्राम क्या है। तो आज यहाँ पे बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं कि आपका मॉलिक्यूल क्या है। तो ठीक है, पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बता रखा है कि मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। मॉलिक्यूल का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी बहुत सारे एटम्स मिलकर एक चीज बना रहे हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं मॉलिक्यूल। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, H2O, ये किसका फॉर्मूला है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसे हम एक मॉलिक्यूल कह रहे हैं, मतलब द ग्रुप ऑफ एटम्स है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने का, मॉलिक्यूलर मास निकालने का सीधा सीधा फंडा ये है, एक फॉर्मूला कि हर किसी के जो भी एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है उसका मास आप लिख दो और उसको प्लस कर दो, वो आपके मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। लेट्स सपोज हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16, तो 16 प्लस 2 इट बिकम्स 18। लेट्स सपोज मैं बात करता हूं कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 पर, तो कैल्शियम के एक एटम का मास होता है 40, कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 एंड ऑक्सीजन के तीन एटम का मास होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट बिकम्स 100। सॉरी, तो अब यहाँ देखिए आपको 18 भी मिल गया और आपको यहाँ 100 आया। ये क्या है, एस्ट्रो का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 18 और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास हो गया 100। बट अभी तक मैंने इसके आगे ग्राफ और AMU ऐसी कोई चीज लिखी नहीं, ठीक है ना। तो अब ये ग्राम और एएमयू में क्या डिफरेंस है, वही चीज जो एटॉमिक मास से समझाई थी आज मैं आपको इसमें भी समझा देता हूं मॉलिक्यूलर मास में। लेट्स सपोज मैं H2O लिख रहा हूं, ठीक है ना। H2O को मैं जब मास लिखा हुआ आएगा तो मेरे पास दो तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, या तो 18U लिखा हुआ आ सकता है या 18 ग्राम लिखा हुआ आ सकता है। अब आप बोलेंगे सर ये यू का मतलब क्या है, यू का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है, यूनिफाइड मास। अब यूनिफाइड मास का मतलब क्या है, जो AMU का मतलब था कि एक एटम का मास, ऐसे U का मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास, और ग्राम का मतलब क्या हो गया फिर, द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। तो इससे आपको बात समझ में आ रही होगी कि H2O के लिए अगर 18U लिखा हुआ है 18 ग्राम, तो दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, अभी U इसलिए लिखा है, यहाँ पे AMU भी लिखा हो सकता है, बट मैंने आपको इसको डिफरेंशिएट करके इसलिए बताया क्योंकि जिससे आप AMU और U में कंफ्यूज रहो, ठीक है ना। कई जगहों पर आपको हर जगह ऐसा नहीं मिलेगा कि मॉलिक्यूल के मास के लिए यू मिले, कई जगह DA लिखा हुआ मिल सकता है। एंड DA का मतलब होता है डॉल्टन, क्योंकि सबसे पहले हम उसको लिखते थे डॉल्टन के अंदर, फिर डॉल्टन के बाद AMU, U, इन चीजों को क्या करा गया, स्पेसिफाई करा गया। तो अगर U लिखा हुआ है यानी वहां पे मतलब क्या है, मास और वन मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर यहां पे लिखा हुआ है 18 ग्राम, तो उसका मतलब क्या, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। आप एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे आपके लिए अगर आपको लगे कि सर कि मॉलिक्यूल का मास निकालना समझ में नहीं आया, तो एक चीज और ले लीजिए। लेट्स सपोज मुझे H2SO4 का मास निकालना है, तो देखिए हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1, कितने एटम प्रेजेंट है 2, ये एस एस से होता है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन का मैंने अभी दोनों केसेस में बताया 16 होता है, प्लस करना है आपको 16 कितने एटम से 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 प्लस 32 प्लस 64, तो आंसर आ जाएगा आपका 98 का, ठीक है, आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका मैंने कैसे निकाला, 2 into 1 32 plus 16 into 4 और ये 2 सॉरी ये 32 है,
तो इसको मैं लिख दूंगा 32 + 64, तो टोटल मेरा आ जाएगा 98 ग्राम। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का। कैसे निकालना है, किसी भी एटम जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम प्रेजेंट है उनके मास को लिखो, उनको ऐड करो और आपका मॉलिक्यूल मास निकल जाएगा। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल मास निकाल सकते हैं। और हमारे वीडियोस को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।